बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आमिर शहज़ाद अटक शहर पाकिस्तान से, और ये वेब डेवलपमेंट का सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसमें हमारे तीन सेक्शंस होते हैं। पहले सेक्शन में हम वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ चीज़ें पढ़ते हैं, वो उमूमन हम ये W3 स्कूल्स पर ये हम एक सीक्वेंस में तरतीब से चल रहे हैं ये चैप्टर्स। और दूसरा ये कि हमारा क्वेश्चन आंसर्स का सेशन होता है, जिसमें जो भी हमारा ये सेशन ज्वाइन करते हैं वो वेब डेवलपमेंट या IT या किसी भी तरह का कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। और फिर आखिरी हिस्से में हम किसी न किसी टेक्नोलॉजी या IT कुछ न कुछ चीज़ हम फिर एक नई सीखते हैं। तो अब्दुल्ला भाई, आपने ज्वाइन किया है, अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, वरना यह है कि मैं सेशन ये शुरू कर देता हूँ जो कि हमारा ये वेब डेवलपमेंट से मुतल्लिका है। तो इसमें अभी जी ठीक हो गया जी। तो अभी हम इसमें स्टार्ट करते हैं। ये आप हमारी पिछली वीडियोस देख सकते हैं, तो ये हम कवर कर चुके हैं। तो ये लेआउट का हमने आखिरी दफ़ा ये चैप्टर किया था, तो अभी हम इससे आगे शुरू करेंगे। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स में ये है कि आपकी वेबसाइट अमूमन पहले लोग कंप्यूटर लैपटॉप कंप्यूटर इस्तेमाल करते थे, तो स्क्रीन की बड़ी होती है। तो अभी यह है कि और डिवाइसेस बीच में आ गई हैं, जिस तरह टैबलेट्स हैं और मोबाइल हैं। तो रिस्पॉन्सिव आपकी वेबसाइट हो तो उसका फ़ायदा ये है कि वो सब डिवाइसेस के हिसाब से अपनी विड्थ जो है वो एडजस्ट कर लेती है। तो इसमें देखते हैं, हम मीडिया क्यूरीज हैं जिसके ज़रिए हम ये हल करते हैं। तो पहले तो हमें ये चीज़ एडजस्ट करने के लिए ना ये एक टैग मेटा टैग लगाना पड़ता है व्यू पोर्ट का, और विड्थ को हम करते हैं डिवाइस विड्थ के इक्वल, और स्केल हम 1 रखते हैं। अगर आप ज़्यादा उसको जूम करके देखना चाहते हैं तो फिर आप इसको ज़्यादा कम भी कर सकते हैं। तो ये स्टैंडर्ड इसका एक ये है। फिर हम इसके अलावा जो है मीडिया क्यूरीज हम इसमें लगाते हैं, और मीडिया क्यूरीज में आपसे मैं स्क्रीन शेयर करने भूल ही गया हूँ। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ क्योंकि आपको तो सिर्फ मेरी आवाज़ आ रही होगी। तो स्क्रीन आपको नज़र आए तो मुझे बताएं जी, आप में मैसेज में बेशक लिख के बता दें स्क्रीन नज़र आनी शुरू हो तो। ज़बरदस्त, ये मुझे असल में पहले ज़हन में नहीं आया कि ये स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, मेरे ज़हन में ही नहीं आया। तो बहरहाल ये अभी हर मैं उसी पेज पे ही हूँ जो पीछे लेआउट का पेज था, उसको सिर्फ गो थ्रू किया था, वो हमने पिछली दफ़ा कर लिया था। तो अभी हम ये रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन के ऊपर आए हैं। तो जिस तरह ये विड्थ देखें वेबसाइट उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेती है। तो इसमें जो पहला काम आपने करना होता है ये टैग लगाना होता है मेटा का। तो इसकी हम डेमोंस्ट्रेशन इस तरह भी देख सकते हैं कि अभी तो यहाँ पे कोई इतना कंटेंट है नहीं जिससे हमें ये पता लग सके, लेकिन ये आगे हम देखेंगे उसमें एग्जांपल्स में हम इसको यहाँ पे इसकी विड्थ कम ज़्यादा करेंगे तो हमें पता लगेगा फ़र्क। इस एग्जांपल में तो ये तस्वीर कोई भी हमें नज़र नहीं आई, शायद आगे एग्जांपल में हो। तो बहरहाल मकसद मेन इनका यही है कि इसी तरह विड्थ कम ज़्यादा हो तो ये वेबसाइट एडजस्ट कर देती है। जैसे अभी ये छोटी की है तो ये लिखाई भी छोटी हो गई है स्क्रीन, यानी जब मोबाइल पे खोली है तो।
तो इस पे देखें तो विड्थ इसकी फुल उसने 100% ली है, तो इसमें एग्जांपल्स में देखेंगे तो सही समझ तब आएगी। और यहाँ पे जिस तरह विड्थ हमने 100% इसकी कर दी है, तो इसको हम स्क्रीन साइज़ मोबाइल का तकरीबन तकरीबन इतना होता है, ज़्यादा भी हो सकता है, फिर टैबलेट्स का साइज़ आ जाता है। तो ये एक लिहाज से एक तरीका तो हमारा ये है कि उसकी विड्थ आप इमेजेस की ज़्यादा कर दें। तो इसमें दूसरा ये है कि मैक्स विड्थ जो है वो 100% कर दें। तो इसमें ये फ़ायदा है कि वैसे ये नॉर्मल साइज़ से रहेगी और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी 100% हो सकती है। जैसे अब ये छोटा साइज़ ज़्यादा हुआ है ना उसके जो ओरिजिनल साइज़ है उससे, तो अब ये 100% पे आ गया है, वैसे जो इसका अपना साइज़ है ये उसी पे रह रही है। तो इसमें यह है कि आप कोई सवाल जेन में अगर आता है तो पूछ सकते हैं, वरना यह है कि माइक आप कोशिश करें कि माइक इसका म्यूट रखें, जो आपने सेशन ज्वाइन किया है ना। जी मून इकबाल, आपने अगर कोई सवाल जी तैमूर इकबाल, अगर आपने सवाल पूछना है तो ठीक है, वरना यह माइक अपना म्यूट कर लें। वैसे आप ये कोई भी वेब डेवलपमेंट से, आईटी से या किसी भी तरह का सवाल आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, कोई ऐसे मना नहीं है। मतलब कोशिश होगी कि जो हम जवाब इसमें अभी दे सकते हैं वो दिया जाए या फिर कोई रहनुमाई कर दी जाए। तो इसमें हम ये अभी एक एग्जांपल कर रहे थे, इसमें एक छोटी सी चीज़ फ़र्क करने से ना, जिस तरह हमने एक एग्जांपल में किया है इसकी विड्थ 100% किया है, तो आपकी विड्थ जितनी भी होगी डिवाइस की ये उस हिसाब से एडजस्ट कर रहा है। लेकिन अब इसमें एक बात यह है कि अब यहाँ पे गैर ज़रूरी तौर पे ये स्क्रीन इसको 100% कर दिया, जबकि और ज़्यादा इसको बड़ा करेंगे तो पिक्सल फटने भी शुरू हो सकते हैं। लेकिन अभी क्योंकि ये इमेज अच्छी है, साइज़ की है, तो इसलिए फ़र्क नहीं पता लग रहा, लेकिन यहाँ पर पता लग रहा है ये इसका ओरिजिनल साइज़ है। तो यहाँ पे जो हमने ये स्टाइल दिया ना मैक्स विड्थ 100%, तो इससे ये हो रहा है कि यहाँ तक तो जहाँ तक इसका नॉर्मल साइज़ है वहाँ तक तो ये रहता है, लेकिन जब विड्थ उससे छोटी होती है तो फिर उससे ये उसको मज़ीद उससे छोटा नहीं करता है, बल्कि इसको फिर फुल विड्थ पे ही आ जाता है। तो मैक्स विड्थ का मतलब ही यही है कि वैसे ये नॉर्मल साइज़ में रहे और जब स्क्रीन छोटी आती है तो फिर इसकी मैक्स विड्थ यही होगी, इससे ज़्यादा ये नहीं कर सकता। तो अभी हम और आगे जाते हैं, तो हाइट हमने इससे ऑटो किया है तो वो ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेगा विड्थ के हिसाब से, जो एस्पेक्ट रेशियो बेस्ट बनता है उस हिसाब से ये कर लेगा। इस एग्जांपल को चला के देखना पड़ेगा। और एक और बात जो है कि हम ये सेशन जो है इसको रिकॉर्ड भी करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं रिकॉर्ड जो हो रहा है, और उसी को हम बाद में यूट्यूब पर अपलोड कर देते हैं। इसमें हमने इस एग्जांपल में इसको हम गो थ्रू करते हैं। इसमें देखें, इसमें हम टैग्स हम वैसे पीछे हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो हम वैसे जो अमूमन टैग यूज़ करते हैं वो इमेज IMG का टैग यूज़ करते हैं, उसमें सोर्स देते हैं, लेकिन इसमें हम ये इस तरीके से भी इमेजेस दे सकते हैं। और इसमें आप देखें कि इसमें हमने सोर्सेस एक से ज़्यादा दिए हैं, ठीक है, और ये इस हिसाब से भी हमें ये दिखाएगा। अगर हम इसके चेंज करते हैं, तस्वीरें देखें अलग अलग हैं बीच में, तो विड्थ ज़्यादा हुई है तो तस्वीर ऑटोमेटिक बदल गई है, छोटी हुई है और छोटी होगी तो शायद कोई और तस्वीर आ जाएगी जिस तरह की ये आ गई है। तो मतलब यहाँ पे जो ये रिस्पॉन्सिव है ना, इसको देखें हैंडल करने के ना मुख्तलिफ तरीके बताए जा रहे हैं।
वैसे जो हम प्रोफेशनली यूज़ करते हैं वो हम CSS में मीडिया क्यूरीज हम बोलते हैं, वो इस्तेमाल करके हम कंट्रोल करते हैं। लेकिन एक तरीका भी इन्होंने हमें बताया कि जिस तरह ये विड्थ इमेजेस को विड्थ फुल कर दी है या फिर मैक्स विड्थ दे दी है और अच्छा है। तो अब ये तीसरा तरीका हमें बता रहे हैं कि किस तरह हम ये पिक्चर का टैग इस्तेमाल करके किस तरह इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें यह है कि मैक्स विड्थ इनिशियली ये तस्वीर आ रही है, फिर ये आएगी और विड्थ ज़्यादा है तो फिर ये वाली आएगी, और 600 पिक्सल है तो फिर ये आएगी। तो ये हम देख सकते हैं। अभी इसकी CSS उन्होंने मैक्स विड्थ 100% नहीं किया, वरना ये यहाँ पे भी रहती 100% पे। अभी ये और छोटी हो रही है स्क्रीन साइज़ इसका इमेज का। तो इमेजेस को ये इन तरीकों से कंट्रोल कर रहे हैं, और टेक्स्ट साइज़ को हम देखते हैं किस तरह हम कंट्रोल करेंगे। वैसे हम जो इस्तेमाल करते हैं यूनिट, हम पिक्सल का PX शॉर्ट लिखा जाता है, वो हम इस्तेमाल करते हैं। विड्थ देनी है, हाइट देनी है। तो इसमें व्यू पोर्ट यूनिट हम ये इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जो आपका ये डिस्प्ले आ रहा है ना उसके लिए। तो इसको हम छोटा बड़ा करके देखते हैं तो अंदाज़ा होगा। इसमें तो ये वाला बीच में जो आखिरी टेक्स है इसके ऊपर अप्लाई नहीं किया हुआ है, तो बाकी टेक्स देखें बड़ा छोटा हो रहा है, लेकिन ये वाला स्टैटिक रह रहा है। अब इतना ये मोबाइल व्यू तकरीबन इसमें आ जाता है, तो वो टेक्स्ट जो है वो इतने छोटा, खैर इस्तेमाल मोबाइल विड्थ हमारी इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन अभी टेस्टिंग में खैर हमें पता लग रहा है कि छोटे पे होगा तो वो मज़ीद छोटा हो जाएगा। लेकिन ये स्टैंडर्ड हमारी ये तीन तरह की विड्थ आ जाती हैं, मोबाइल के लिए आ जाती है, टैबलेट्स के लिए आ जाती है, फिर बीच में लैपटॉप भी आ जाते हैं, और उसके अलावा अगर आपके पास बड़ी LCD है तो वो एक चौथी कैटेगरी आ जाती है। तो टेक्स को भी इस तरह यूनिट हम ये व्यू पोर्ट देके कर सकते हैं, और तो ये आ गया मीडिया क्यूरीज जिसके मैं शुरू में जिक्र कर रहा था। तो इसको हम देखते हैं। तो CSS का हमने वैसे ये पीछे अगर आप हमारी वीडियोस को फॉलो करें तो उसमें हम ये टैग्स जो है इसमें करते हुए आ रहे हैं चैप्टर्स यहाँ पे। तो इसमें हमने ये CSS का जो है वो भी किया है, जावास्क्रिप्ट का भी सरसरी से किया है, वैसे हम अलग से भी इंशाल्लाह ताला ये चीज़ें अलग से भी करेंगे। तो इसमें यह है कि अगर आपने कोई सवाल करना है तो आप सवाल पूछ सकते हैं, और अगर आपने सिर्फ सेशन देखना है तो फिर यह कि अपना माइक बेहतर है कि वो म्यूट कर दें। जब आपने ज्वाइन किया ना तो उसमें ऑप्शन वो दे रहा था, अगर आप सवाल है तो आप बिना झिझक सवाल पूछ सकते हैं, वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड या सिर्फ जनरली IT से रिलेटेड, या उससे हट के कोई और सवाल पूछना चाहते हैं तब भी आप सवाल कर सकते हैं। और ये कि सेशन हमारा ये रिकॉर्ड हो रहा है, और इसकी हम फिर बाद में अपने YouTube चैनल पर वीडियो अपलोड कर देते हैं। तो इसमें अगर आप हमारे ये फॉलो कर रहे हैं तो, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट इसको सेशन को सुनना शुरू करेंगे तो शायद आपको समझ नहीं आएगी। तो यहाँ पे अगर आप हमारा ये चैनल है YouTube पर, और उस पर हम प्ले लिस्ट हमने एक बनाई हुई है वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड, उसमें सारी वीडियोस तरतीब से पड़ी हुई हैं। इसमें प्ले लिस्ट में आएँ और यहाँ पे ये वेब डेवलपमेंट के, वैसे ये लिंक डिस्क्रिप्शन जो हम इसमें करते हैं ना अपलोड, उसमें भी इसका लिंक देते हैं,
तो इसमें ये हम जो है वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, आप यहाँ से शुरू करें, ये वीडियो फॉलो करते हुए आएंगे तो फिर ये ऑलमोस्ट आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे हम जो हमारा तरीकाकार है वो हम इस तरह करते हैं कि इस तरह कोड ज़्यादा लिखा हुआ हो ना, अभी तो ये थोड़ा है, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इसको हम क्या करते हैं कि जो स्टाइल है स्पेशली इसको हम कमेंट कर देते हैं ताकि हमें फ़र्क पता लगे कि नॉर्मल पेज किस तरह आ रहा है और ये कमेंट करने से क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो मीडिया क्यूरीज इस पे हम फिर आते हैं, पहले ही हम सारा कमेंट कर देते हैं। बहरहाल अपना अपना तरीका है इसको एक्सप्लेन करने का, लेकिन मैं जो है वो अमूमन इसी तरीके को पसंद करता हूँ कि जो स्टाइल है पहले उसको आप सारा कमेंट आउट कर दें। ये इसका CSS में कमेंट आउट करने का तरीका है। तो अब हमारी CSS ऑलमोस्ट इसमें से ख़त्म हो गई है, जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र की है वो अप्लाई होगी। तो इसको हम रन करेंगे तो अब CSS यहाँ से निकल गई है। तो हम देख सकते हैं कि इसमें एक लिहाज से सीखने के लिए अच्छा ये भी है कि स्टाइल्स वगैरह आप ख़त्म करें तो आपको बेसिक ये स्ट्रक्चर है वो आपको पता हो पहले, फिर आप स्टाइल अप्लाई करते हैं तो फिर आपको लर्निंग आपकी बेहतर होती है। तो जब आपके आगे जाते हैं, लेवल आपका एडवांस हो जाता है, तो फिर आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी आप समझ सकते हैं, लेकिन सीखने के लिए ज़्यादा अच्छा है। ये हमारे पास हेडिंग 2 है, ये हमें यहाँ पर मिल रही है, बाकी ये पैराग्राफ आ रहा है, फिर ये भी पैराग्राफ है, फिर एक डिव बनाया है और इसको क्लास दिया है लेफ्ट, और मतलब मेन आगे फिर स्ट्रक्चर यही है, ये लेफ्ट मेन राइट, ये डिव्स बना दिए हैं। जिस तरह के साइड बार होती है, एक लेफ्ट साइड पे होती है, एक राइट साइड पे होती है, और मेन कंटेंट होता है, वैसे हेडर फुटर भी होते हैं अमूमन, लेकिन अभी उसको यहाँ पे स्किप किया है क्योंकि डेमोंस्ट्रेशन इसी की करनी है। तो इसमें अभी हम देखते हैं कि सबसे पहले तो बॉक्स साइजिंग अप्लाई किया है, इसको मैं कमेंट ख़त्म करता हूँ, और बज़ाहिर कोई डिफरेंस हमें नज़र नहीं आया। तो अभी अब देखते हैं कि ये लेफ़्ट जो क्लास हमने बनाई है, तो इसमें CSS में हम ये पढ़ चुके हैं कि क्लास, अब जब हम CSS के स्टाइल लिखते हैं तो उसमें सेलेक्टर हम इस तरह डॉट के साथ लिखते हैं, डॉट और आगे क्लास का नाम, और जब आपने किसी टैग में इस क्लास पे इस्तेमाल करना होता है तो फिर ये क्लास का एट्रीब्यूट लिखते हैं और उसके अंदर उसकी क्लास की वैल्यू लिख देते हैं, यानी यहाँ पे डॉट के साथ नहीं लिखना है, लेकिन जब ये CSS का कोड लिखना है तो यहाँ पर ये डॉट के साथ लिखना है। तो यहाँ पर स्टैरिक का मतलब ये है कि सब टैग्स के ऊपर ये अप्लाई हो जाए, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स सब साइज इसके ऊपर अप्लाई हो गई है। तो इसमें हम देखते हैं, एक तो इन्होंने बैकग्राउंड कलर इसको दिया है, दूसरी पैडिंग दी है, फिर फ्लोट किया है और विड्थ दिया है। तो फ्लोट आप देखेंगे जब भी इस्तेमाल करेंगे तो विड्थ आप इस्तेमाल करते हैं साथ में। तो इसको मैं अभी रन करता हूँ तो आपको ये इसका नज़र भी आएगा। तो ये नीला सा रंग है, और पैडिंग आप देखें, पैडिंग अगर आप ख़त्म करें ना यहाँ पे, ये देखें ये जो एरिया है बॉर्डर से, ये लेफ़्ट का L जो लिखा हुआ है, ये ऊपर से नीचे से दाएं बाएं, ये इसकी पैडिंग के ज़रिए आ रहा है। इसको अगर हम ख़त्म करते हैं पैडिंग को, तो ये देखें जुड़ गया लेफ़्ट साइड पे, और ये जो ऊपर से इसको थोड़ी सी स्पेस मिल रही है, ये इसकी डिव और पैराग्राफ जो है इसकी वजह से मिल रही है। ये दोनों जो हैं ये आपके ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं, डिव खुद भी और पैराग्राफ भी। तो ये नई नई लाइन पे शुरू होते हैं, नई लाइन से शुरू होते हैं और नई लाइन पे ही आप समझें कि पूरी लाइन ये कंज्यूम करते हैं, नया एलिमेंट जो भी आएगा वो न्यू लाइन पे आएगा, खुद भी ये न्यू लाइन से स्टार्ट होते हैं। तो कुछ होते हैं इसमें इन लाइन एलिमेंट्स होते हैं, वो अगर साथ साथ लिखे हों तो वो दाएँ बाएँ इस तरह आएंगे। और दूसरा हमें पता है कि यहाँ पर जो स्पेसेस हैं ये मैटर नहीं करती हैं, जिस तरह यहाँ पर स्पेस अगर हम ज़्यादा भी कर देंगे तो उसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसको हम वापस पैडिंग देते हैं, पैडिंग इसमें जब पैडिंग में एक वैल्यू हो तो इसका मतलब ये है कि ये चारों साइड से, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, चारों साइड से ये एक ही
20 पिक्सल की ये दे रहा है, लेकिन क्योंकि टेक्स्ट छोटा है यहाँ से भी पैडिंग इसको मिल रही है तकरीबन इतनी जितनी लेफ्ट साइड से मिली है इतनी यहाँ से भी मिल रही है, लेकिन क्योंकि टेक्स्ट थोड़ा है तो ये पता नहीं लग रहा है। टेक्स्ट हम बड़ा करेंगे तो यहाँ पे आके ये रुक जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि मेन में क्या किया गया है काम। तो मेन में भी बैकग्राउंड दिया गया है। अच्छा इसमें देखें फ्लोट, हम एक चीज़ इस्तेमाल करते हैं इसमें, फ्लोट लेफ्ट होता है और फ्लोट राइट होता है, फ्लोट सेंटर नहीं होता है। तो इसमें जो भी चीज़ फ्लोट करेगी ना, जो उसके मतलब यहाँ पे ये जिस तरह इसका लोकेशन बन रही है, तो ये बिल्कुल अपना जहाँ पे एरिया स्टार्ट होता है इसके लेफ्ट पे आएगा, और नेक्स्ट एलिमेंट को फ्लोट करेंगे तो ये इसके साथ आ जाएगा। इसी तरह ये फ्लोट का ये कंसेप्ट है। तो इसमें देखें इसको हमने विड्थ दिया 20%, यानी कि जो जितना एरिया है इसका ये 20% कंज्यूम करेगा। तो इसको हम बड़ा छोटा करेंगे तो इसकी हम देखेंगे विड्थ भी बड़ी छोटी हो रही है, यानी जितनी इसको स्क्रीन मिलेगी उसका 20% इसको हमने दे दिया है। और मेन को एक हमने कलर दिया है, अभी हम अप्लाई करते हैं इसको। पैडिंग वही दी है, फ्लोट लेफ्ट ही दिया है, अगर हम फ्लोट राइट करते हैं तो ये मेन बिल्कुल राइट साइड पे चला जाएगा। और विड्थ इसको ज़्यादा दिया है, यानी 20 इसको चली गई, 60 इसको चली गई, 80 ये हो गई। तो इसको ये ग्रे बैकग्राउंड है और उसी तरह पैडिंग है, और इसको हम फ्लोट राइट करके भी देख सकते हैं। बल्कि इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स आपको करने चाहिए, इसी में फिर आपकी लर्निंग होती है, इसमें मुख्तलिफ चीज़ें देख के ट्राई करें। फिर हमारा ये आ जाता है, ये देखिए मैं कमेंट साथ साथ ख़त्म करता जा रहा हूँ, और बाकी जो एरिया है इसको कमेंट यहाँ पे रह गया। कमेंट करने से ये होगा ये चीज़ एग्जीक्यूट नहीं होगी, और ये हमने चीज़ खोली, अभी मैं रन पे क्लिक करूँगा तो ये अप्लाई होगा। तो इसका भी बैकग्राउंड कोई दिया है, गालबन ब्लू टाइप ही है कोई, पैडिंग सेम है, फ्लोट सेम है, और ये 100% इन्होंने पूरे कर दिए हैं। जो विड्थ के 100% बनते हैं ना, 20 इसको और 60 इसको, ये अब रन करते हैं। नहीं ये तो ग्रीनिश है, तो अब जो आखिर में जो सबसे ख़ास चीज़ है वो ये चीज़ है। लेकिन इसको अभी अप्लाई करते हैं, और ये देखें हम इसकी विड्थ छोटी ज़्यादा करें तो और ये देखें कि इसको बहुत ज़्यादा छोटी कर रहे हैं तो इसको फ़र्क पड़ रहा है, वैसे इसको उसूलन नहीं करना चाहिए। बहरहाल अभी हम इसकी मीडिया क्यूरी इसकी इस्तेमाल करते हैं। ये अभी तक हमने जो पढ़ा है अभी तक ये इस तरह की चीज़ हमने इस्तेमाल नहीं की है। तो इसका सेंटेक्स ये है, मीडिया एट द रेट साइन, और यहाँ पे हम बता रहे हैं कि ये स्क्रीन पे नज़र आएगा। यहाँ पे हम प्रिंटिंग करनी है तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं, मीडिया क्यूरीज लगा सकते हैं कि पेज प्रिंट करें, जैसे हम कंट्रोल पी करें तो तब वो अप्लाई हो, तो वो हम मेंशन कर सकते हैं कि प्रिंट में और तरीके से ये डिस्प्ले हो और नॉर्मली और तरीके से हो। और मैक्स विड्थ इतनी होगी तो क्या ये कर रहा है जी, लेफ्ट मेन राइट, यानी ये कामे के साथ देखें, जब आप ये एक सिलेक्टर है, कामा लगा के आप दूसरा सिलेक्टर दे सकते हैं, और फिर कामा लगा के तीसरा, और फिर ये तो इसकी बॉडी आ गई आपकी जो आगे CSS का कोड लिख रहे हैं। तो यहाँ पे जब कामे के साथ लिखते हैं तो इसका मतलब ये तो है नीचे जब हम जो भी कोड लिखेंगे वो इन तीनों के ऊपर अप्लाई होगा। और क्या है जी, मैक्स विड्थ जब 800 पिक्सल होगी। तो इसको अब मैं रन करता हूँ तो बज़ाहिर हमें ये कोई इसमें फ़र्क नज़र नहीं आया है, लेकिन अभी आप जब इसको साइज़ छोटा करेंगे ना, ये तब आपको समझ आएगा। ये ऊपर देखिए यहाँ पे राइट साइड पे ना, ये इधर ये इसका साइज़ हमें आ रहा है नज़र। तो जब ये छोटा हुआ है ना, ये पहले विड्थ आ रही है और दूसरी साइड पे हाइट आ रही है आगे, तो 800 यहाँ तक तो ये ठीक है, उससे छोटा हुआ है तो ये देखें इसकी 100% विड्थ कर दी है। तो 100% करने से फिर यही हुआ है कि इसकी, वैसे हमने 20 दी हुई थी लेफ्ट की, इसकी भी 20 थी,
लेकिन जब इसकी विड्थ 100 हो गई है तो वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट जो फ्लोट हमने किया बताओ ये ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा, तो सबकी बल्कि 100% हो गया, तो इसलिए ये लाइंस में आ गए हैं। तो ये मोबाइल पे ब्राउज़ करने के लिए ये तरीका अच्छा है कि आप एक मखसूस विड्थ डिफाइन कर लें कि इतनी विड्थ हो तो ये 100% पे आ जाए। वैसे ये नॉर्मली इस तरह आएगा जिस तरह ये लैपटॉप की स्क्रीन है, पीसी की यूज़ कर रहे हैं आप, टैबलेट्स पे भी, बल्कि ये तकरीबन टैबलेट साइज़ में आ जाएगा। तो मोबाइल की जो व्यू है वो तकरीबन इतना, और छोटे जो हैं उनको और छोटा है 300 समथिंग, तो ये 800-900 के करीब ये टैबलेट के करीब बनता है। और फिर तकरीबन जो ये 1300 के करीब, 1000 या 1300 इसके दरमियान ये लैपटॉप की स्क्रीन आती है, फिर इसमें अच्छे जो हैं वो उससे ज़्यादा के आते हैं। तो बहरहाल यहाँ पे हम इतना चेक कर सकते हैं। तो ये तरीक़ाकार सीखने के लिए ये तरीक़ाकार ज़्यादा अच्छा है। आप ये CSS का कोड इनिशियली सारा कमेंट कर दें और फिर आप वन बाय वन ये एक एक चीज़ खोलते जाएं और इसको भी आप तब्दील भी करते जाएं। जैसे यहाँ पे हमने फ्लोट लेफ्ट किया था, इसको फ्लोट राइट सब जगह पे अगर कर दें तो फिर देखें क्या फ़र्क आता है। तो इसमें होगा तो ये जो हमें डिस्प्ले नज़र आ रहा है उसका ऑपोजिट हो जाना चाहिए। तो इसमें अब देखें, इसका ये फ्लो समझने की बात यह है कि अब देखें क्लासेस के नाम जो भी हैं उससे इसको फ़र्क नहीं पड़ता, एक्चुअल जो कोड लिखा हुआ है उससे फ़र्क पड़ता है। तो फ्लोट हमने इसको किया राइट, तो जो चीज़ पहले फ्लोट होगी वो सबसे राइट पे चली जाएगी। उसके बाद देखते हैं हम कोड के मुताबिक, जिस तरह पहले ये आ रहा है सेक्शन आ रहा है फिर ये आ रहा है, तो ये उसके साथ राइट पे आ गया मेन कंटेंट और जितनी इसको विड्थ हमने दी हुई है उस तरह, और ये फिर आखिर में इस पे आ गया। तो इसको मैं एक दफ़ा रीलोड करता हूँ और यहाँ पे कुछ कमेंट्स में इन्होंने दिया हुआ था ये मैं एक दफ़ा गो थ्रू कर दूँ। इसको हम बता चुके हैं, ये भी बता चुके हैं, ये भी बता चुके हैं। तो यहाँ पे ये ब्रेकिंग पॉइंट हम डिफाइन करते हैं कि कितने पे कितने इसके साइज़ हो। तो इसमें हम एक लिहाज से ये हमने टैबलेट के लिए इसको फिक्स किया है, तो आप एक और व्यू इसका क्रिएट कर सकते हैं कि 100% ये 600 पे हो तब भी करे, और जब ये 800 पे हो तो यहाँ पे 80% कर ले। तो ये हम चेंज करते हैं इसको कोड को। तो ये चीज़ें फिर एक्सपेरिमेंट करने से ही होंगी। तो हमारे ये सेशन, वैसे आप मटेरियल देखें तो नेट पे आपको ऑलमोस्ट मिल जाएंगी चीज़ें, लेकिन होता यह है कि नया बंदा जो भी सीखना शुरू करता है तो वो कहीं ना कहीं स्टक हो जाता है। तो स्टक होता है तो फिर ज़रूरत पड़ती है कोई गाइडलाइन मिल जाए। तो यहाँ पे ये सेशन रिकॉर्ड करने का, ऑनलाइन होने का मकसद यही है कि अगर आप किसी जगह पे स्टक हो जाते हैं तो आप सवाल पूछें। बल्कि ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग सेशन होगा कि जब ये क्वेश्चन आंसर इसमें हों, ज़्यादा हों, लर्निंग होगी भी तभी। तो इसमें जैसे मैं कह रहा था कि इसको हम मोबाइल के लिए कह लेते हैं कि ये व्यू, और यहाँ पे इसको एटी करने से तो फ़र्क नहीं पता लगेगा, मेरे ख्याल है 50 इसको करूँ ना तो दो एलिमेंट कम से कम ये नज़र आएंगे, क्योंकि सबकी विड्थ 50% हो जाएगी तो दो एलिमेंट यहाँ पे नज़र आएंगे, 50 इसके हो गए, 50 इसके हो गए, और ये नेक्स्ट पे आ जाएगा जब विड्थ इतनी होगी, और इससे बड़ी होगी तो फिर जैसे वो व्यू डिफाइन हुआ है वैसे ही होगा। तो इसको हम बिकॉल नहीं उठा सकता, इसको अभी हम रन करते हैं। तो देखें जिस तरह मैं कह रहा था कि 800 से लेस हुआ है, तो इसने क्या किया है सबको, क्योंकि यहाँ पे हमने तीन जो है ना सिलेक्टर्स दिए हुए हैं, ये हमारे सिलेक्टर्स होते हैं जो कि हमने क्लासेस बनाई हैं, कोड इनका अब एक ही अभी सबका लगा हुआ है कि 50%। तो इसको जब 50 मिली, इसकी 50 100% वेट पूरी होगी तो ये ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पे चला गया।
तो अब जब ये 600 से लेस होगा तो ये अच्छा, ये हमने फिर इसमें एक गलती की है। चूँकि ये मैक्स विड्थ है तो मैं मेरे ख्याल में इस तरह ये ब्रेक डाउन करनी चाहिए थी। तो अब जो है वो ये 600 वाली अप्लाई हो रही है। तो मैक्स विड्थ आप अगर यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपने ये स्ट्रेटेजी रखनी है कि जो बड़ी आपकी विड्थ है वो ऊपर रखें और ये वाली नीचे रखें, और मेन विड्थ के साथ अगर आप कर रहे हैं तो फिर उसका ऑपोजिट करेंगे, यानी ये फिर ऊपर रखनी होगी और ये वाली नीचे रखनी होगी, यानी एक आप सीक्वेंस फॉलो करते हैं। तो अभी हम इस एग्जांपल को क्लोज करते हैं और नेक्स्ट हम देखते हैं रिस्पॉन्सिव वेब पेज फुल एग्जांपल। तो इसको हम गो थ्रू करते हैं, पहले हम इसको वैसे जनरली देखते हैं और फिर दूसरा जो हमारा जैसे कि तरीकाकार है हम फिर उसको वैसे ही फॉलो करेंगे कि इसको CSS जो है वो सारी कमेंट कर देंगे, यानी इसको टेम्प्रेरी तौर पे बंद कर देंगे और फिर देखेंगे। तो बज़ाहिर है कि नॉर्मल जिस तरह मैं ऊपर शुरू में इसमें बात कर रहा था इस चैप्टर्स के, ये हेडर होता है आपका, फुटर होता है, साइड बार्स होती हैं, कभी एक होती है कभी दो होती हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि दोनों साइड पे साइड बार है। तो अभी हम इसको मैं ये रिमूव करता हूँ क्योंकि इसमें नेस्टिंग कमेंट, इसके अंदर नेस्टिंग नहीं है, नेस्टिंग यानी कमेंट के अंदर कमेंट नहीं हो सकते, तो इसलिए जो कमेंट मुझे कोड के अंदर और नज़र आ रहे हैं उनको मैं ख़त्म कर रहा हूँ ताकि ये एक ही कमेंट में सारे चीज़ें सारा कोड ये CSS काट जाए। तो अभी हमारे पास नॉर्मल टेक्स आ गया है, इसमें कुछ चीज़ हाँ मिसिंग है। वो अब देखें कि यहाँ पे इन्होंने दो तरीके से CSS दिए हैं, इसको इसको हम कहते हैं इन लाइन, तो ये स्टाइल के एट्रीब्यूट में इन्होंने दी हुई है तो ये फिर तब अप्लाई हो रही है। तो इसको मैं अभी रहने देता हूँ, लेकिन ये जो मेजर पार्ट है ना इंटरनल CSS इसको हम बोलते हैं, इस तरह जो स्टाइल के टैग के अंदर लिखी जाती है अमूमन ये हेड सेक्शन में लिखी जाती है, तो इसको हम इंटरनल CSS बोलते हैं। और एक होती है एक्सटर्नल, जो बेस्ट केस है वेबसाइट डेवलप करने के लिए कि आपकी CSS एक्सटर्नल होनी चाहिए और वो पूरी आपकी वेबसाइट के ऊपर अप्लाई होनी चाहिए, और ये जो CSS है इंटरनल ये सिर्फ इस पेज के ऊपर अप्लाई होगी। तो अभी ये वाला हम स्टाइल जो है इसको एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन ये सिंपल सा है, इसके हम देख सकते हैं जिस तरह बॉडी को ओवरऑल जब आपका पेरेंट एलिमेंट है उसको स्टाइल देते हैं तो जो चाइल्ड है उनके अंदर ऑटोमेटिकली वो स्टाइल आ जाता है जितना वो आ सकता है। तो जैसे हम देख सकते हैं फॉन्ट फैमिली इन्होंने सबको, वैसे एरियल टाइम्स न्यू रोमन होती है अमूमन, और ये भी ब्राउज़र डिपेंडेंट है, कोई ब्राउज़र बाय डिफ़ॉल्ट कुछ भी दे सकता है। तो बेस्ट प्रैक्टिस तो यही है कि आप स्टाइल जो है ख़ुद से मेंशन करें कि फॉन्ट फैमिली क्या होगी, साइज़ क्या होगा, और इसको कलर ये ग्रे टाइप का कलर इसको दे दिया है। तो ये सब जगह पे टेक्स्ट का कलर हम देख सकते हैं कि इधर आ रहा है, लेकिन अब देखें ये लिंक्स के ऊपर ये कलर नहीं अप्लाई हो रहा है। तो मैं यही कह रहा था ना कि जो जो चाइल्ड एलिमेंट्स हैं ये सब के ऊपर अप्लाई होगा जहाँ जहाँ हो सकता है, तो यहाँ पे ना होने की वजह ये है कि यहाँ पे इसका अपना एक डिफाइन हुआ हुआ है लिंक्स के लिए कलर, जैसे लिंक है वो ये नीला है, जब क्लिक हो जाएगा तो ये थोड़ा सा इसका डल हो जाता है कलर। तो अभी हम देखते हैं ये सब के ऊपर हो गया अप्लाई, और हेडर को देखें बैकग्राउंड कलर ये ग्रेश कलर दिया है, पैडिंग दिया है, पैडिंग हमें पता है कि ये इसको सब साइडों से ये पैडिंग मिल गई है, और टेक्स्ट इन्होंने अलाइन सेंटर कर दिया है। तो इस केस में ये पैडिंग जो राइट लेफ्ट की पैडिंग है वो देने का तो कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ है, लेकिन ऊपर और नीचे से क्योंकि पैडिंग हमें पता है कि, और ये देखें कि ये जो स्टाइल हम ऊपर दे रहे थे ये लाइंस में दे रहे थे इस तरह, लेकिन ये इकट्ठा भी लिखा जा सकता है, जैसे कि ये एक प्रॉपर्टी है फिर कॉलन और फिर उसकी वैल्यू,
फिर सेमी कॉलन, तो ये एक पूरी प्रॉपर्टी ये बन गई उसकी, प्रॉपर्टी के नाम कॉलन वैल्यू। और फिर इस तरह आप दूसरी तीसरी एक लाइन में भी इस तरह ऊपर जो हमने लिखी है ये भी एक लाइन में दे सकते हैं, लेकिन लेकिन रीडेबिलिटी के लिए इसको हम इसी तरह लाइंस की सूरत में लिखते हैं। और जो इन लाइन है वो फिर हम अमूमन ऐसे लिखते हैं, हालांकि इसको भी दूसरी तरह किया जा सकता है। तो टेक्स्ट लाइन एक ये प्रॉपर्टी है, इसमें तीनों हैं बाय डिफ़ॉल्ट। ये टेक्स्ट लाइन लेफ्ट होता है, इसको आप राइट भी दे सकते हैं और सेंटर भी दे सकते हैं। ज़्यादा कॉमन यही चीज़ है कि हेडिंग्स वगैरह को ये टेक्स्ट लाइन सेंटर किया जाता है, और सूरत हाल पे मुनसर है कि कभी आपको ये राइट लाइन भी इस्तेमाल करना पड़ जाता है। तो अभी हम देखते हैं आगे सेक्शन एक, हमारे ये लिंक्स के लिए सेक्शन बना हुआ है। और डिव खुद जो है, ये डिव जो है ये तो आपके ब्लॉक लेवल एलिमेंट हैं, यानी नए लाइन से आपके ये शुरू होते हैं। लेकिन जो एंकर टैग है ये देखें, ये सारे इन लाइन हैं, इसीलिए जब ये लिखा गया तो ये साथ साथ साइड बाई साइड आ गए हैं, और ये इसका डिफ़ॉल्ट इसका बिहेवियर ये है। इसी तरह इमेजेस जो हैं वो भी इन लाइन आपके टैग्स हैं, IMG का टैग वो भी साइड बाई साइड आएगा, जितनी उसको विड्थ मिलेगी और फिर उस हिसाब से वो मूव कर जाएगा नेक्स्ट लाइन पे अगर विड्थ कम है तो। ये नॉर्मल बिहेवियर है। और जो ब्लॉक लेवल होते हैं वो विड्थ उनकी उतनी ही रहती है, एक लाइन पे वो कंज्यूम हो रहे हैं। और फिर हमारा एक और डिव आ गया, और फिर इसमें सब एक हेडिंग आ गई है, और टेक्स आ गया है। फिर हमने इसी तरह ये भाई सबको पता नहीं है अब, और यहाँ पे फिर हमने राइट पे ये टेक्स्ट दिया है, और यहाँ पे हेडिंग दी है, और ये फिर टेक्स्ट आ गया है। और आखिर में हमारे पास ये फुटर के लिए हमने लिखा है, और इसके देखे स्टाइल बैकग्राउंड कलर दिया है, टेक्स्ट लाइन सेंटर किया है, पैडिंग दी है, और मार्जिन टॉप अलग से दिया है। तो वैसे जिस तरह हमने ये पैडिंग लिखी है, ये जब हम लिखेंगे तो आगे जो वैल्यू एक देंगे तो ये सब यानी लेफ्ट टॉप राइट बॉटम सब के ऊपर अप्लाई होगी। लेकिन आप अगर एक साइड पे देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इसी तरह दे सकते हैं जिस तरह हमने ये मार्जिन डैश टॉप किया है, तो इस तरह आप पैडिंग डैश टॉप भी कर सकते हैं, तो वो सिर्फ टॉप को वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा चाह रहे होंगे स्पेस इसलिए। तो मार्जिन और पैडिंग ये दोनों हम स्पेसिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। जो मार्जिन है वो आप समझें कि बॉर्डर से बाहर का जो एरिया है ना वो आपके मार्जिन के ज़रिए कंट्रोल होता है, और जो बॉर्डर के अंदर वाला एरिया है वो आपके, उसके लिए हम पैडिंग इस्तेमाल करते हैं। तो बाकी हम ये देख चुके हैं, अभी हम ये इसके जो मेन CSS है उसको हम वन बाई वन इसको खोलते हैं। तो इसका हम खैर पीछे भी देख चुके थे, इसका बज़ाहिर कोई असर नहीं आता है इसके ऊपर पेज के ऊपर, लेकिन इसके स्टैरिक लगने की वजह से ये है कि पूरे ये सब टैग्स के ऊपर ये अप्लाई हो जाता है। तो अभी हम अप्लाई करते हैं, अब ये हमारी पहली दूसरी बल्कि ये आ गई। और इसमें आप देखें ये मेन्यू क्लास है, और ये कहाँ पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये हमारी यहाँ पे इस्तेमाल हो रही है, यानी कि यहाँ पे जो डिव है ये यहाँ पे इस्तेमाल हो रही है। और इसके भी फिर आगे एक पेरेंट डिव है जिसके ओवरफ्लो ऑटो किया हुआ है। तो देखते हैं इसमें हमने क्या कोड लिखा है। एक तो हमने इसको किया है फ्लोट लेफ्ट किया है, तो नॉर्मल इसका आपके जो एक नॉर्मल फ्लो होता है जिसमें हम जो टैग्स लिखते हैं तो ये अपनी प्लेस पे ऑटोमेटिकली आते जाते हैं, जिस तरह टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट। टॉप टू बॉटम अगर वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं वो टॉप टू बॉटम फ्लो जाता है, और अगर इन लाइन एलिमेंट्स हैं इसका लेफ्ट टू राइट जाता है, जैसे कि ये है। लेकिन अभी हम देखते हैं कि ये जो हमारा पेरेंट डिव है इसको फ्लोट लेफ्ट किया है, और विड्थ इसको 20% दिया है। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये
दो लाइनों में हो गया है, वो इस वजह से हुआ है कि विड्थ थोड़ी थी और टेक्स्ट लाइन इसको सेंटर कर दिया है। तो विड्थ अगर हम इसको वैसे 40% करेंगे तो ये मेरे हिसाब से ये ऊपर चला जाएगा, गलत भी हो सकता है लेकिन एक रफ आइडिया जहन में है। और अभी हम इसको 20% ही रहने देते हैं, ये फिर और इस पे कोड लगेगा और इसको मैनेज किया जाएगा। तो नेक्स्ट एलिमेंट ये इधर आ गया है। अभी हम देखते हैं कि ये देखें यहाँ पे, अब वन बाई वन इसको खोलते जाते हैं। तो इसको मैं आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ ये स्पेस देने का क्या फ़ायदा होता है। देखें अब हम चाह रहे हैं कि एंकर टैग्स के ऊपर हम कोड लगाना चाह रहे हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि जो एंकर टैग इस मेन्यू क्लास जिधर इस्तेमाल हुई है उसके अंदर आ रहे हैं, सिर्फ उनके ऊपर। यानी कि ये वाला जो डिव है इसके अंदर जो एंकर्स आ रहे हैं ये सारे सिर्फ इनके ऊपर अप्लाई हो। हो सकता है कि हमने एंकर टैग नीचे इधर बॉटम में इस्तेमाल किया हो, हेडर में किया हो, उनके ऊपर हम ये कोड इस्तेमाल नहीं करना चाहते सीएसएस का। तो फिर हमारे पास ये तरीकाकार है कि आप क्लास या आईडी, यहाँ पे तो आईडीज नहीं बनी है लेकिन क्लास एक है, तो जो इसके अंदर जो भी एंकर आएगा और किसी भी जगह आएगा, सिर्फ स्पेस लिखी हुई है ना, उसका मतलब है कि ये भी इसका लेवल वन है, ये इसके चाइल्ड है, फर्स्ट लेवल के चाइल्ड है। आगे हो सकता है आगे कोई और डिव होता, फिर डिव के और अंदर डिव्स होते, फिर उसके अंदर किधर ये एंकर आ रहा होता तो भी ये स्टाइल अप्लाई होता, क्योंकि ये स्पेस के साथ है। इसका मतलब है कि ये किसी भी लेवल पे आए। अगर यहाँ पे हम ये साइन डाल देते तो इसका मतलब ये था जो फर्स्ट चाइल्ड है सिर्फ उनके ऊपर अप्लाई होता, लेकिन क्योंकि यहाँ पे स्पेस ही है तो इसका मतलब है सबके ऊपर अप्लाई होगा। तो इसमें हमने क्या करें, एक बैकग्राउंड कलर इसको अलग से दिया है। अभी अप्लाई करेंगे, अभी ये हम इसको सिर्फ पढ़ना चाह रहे हैं। पैडिंग दी है हर, यानी कि इनके दरमियान फिर पैडिंग आ जाएगी एलिमेंट्स के दरमियान। टॉप से स्पेशल दिया है लिंक, वैसे भी ये जुड़ा हुआ है ऊपर से। और डिस्प्ले कर दिया है ब्लॉक। बाय डिफ़ॉल्ट जो एंकर आपके होते हैं, एंकर टैग, ये होते हैं इनलाइन, लेकिन आप प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। और विड्थ 100% कर दी है और कलर ब्लैक कर दिया है। तो ये भी हम इसको रन करते हैं तो टेक्स्ट कलर ब्लैक हो गया है, और ब्लॉक होने की वजह से ये ऑटोमेटिकली साइड बाय साइड के बजाय ऊपर नीचे आ गए हैं। विड्थ भी हमने 100% दे दी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पेज विड्थ 100% इसको मिल गया है, नहीं, इसका मतलब ये है जो इसकी लोकेशन बन रही है उसमें 100%। तो वो हम देखते हैं कि इसका पेरेंट जो है उसकी, उसको खुद जो है वो हमने विड्थ दी हुई है 20%। यानी जब यहाँ पे 20% दिया है हमने, तो ये क्योंकि खुद भी एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट था, वैसे ये फुल ये लाइन कंज्यूम कर रहा था, तो इसको फिर हमने पूरी विड्थ का 20% मिला है। तो हम ये देखेंगे कि इसकी विड्थ इस हिसाब से कम ज़्यादा हो रही है, क्योंकि ये 20% फुल विड्थ का ले रहा है, लेकिन जो इसकी विड्थ 100% मिली है, जो इसको अपनी लोकेशन मिल रही है, ये उसके ऊपर बात कर रहा है, ये इसके ऊपर बात कर रहा है, और ये फिर नीचे ऊपर नीचे आ गया क्योंकि इसको हमने ब्लॉक लेवल एलिमेंट किया है। तो आगे हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, ये इस एरिया का कमेंट ख़त्म करते हैं। तो ये हमारा मेन कंटेंट आ जाता है, ये वाला एरिया, ये चीज़। तो इसको हम देखते हैं, इसको भी हमने फ्लोट लेफ्ट किया है, इसको हमने देखा है पहले ये फ्लोट हुआ है, इसको करेंगे तो ये भी इसके अभी भी साथ ही आ रहा है लेकिन फिर और ज़रा प्रॉपर आ जाएगा। और विड्थ 60% दे दिया है, 20 उसको दी है, और 20 मेरे ख्याल इसके लिए रिज़र्व की हुई है। और पैडिंग आप देखें यहाँ पे एक और स्टाइल से वैल्यूज़ दी हैं। तो जब एक वैल्यू लिखी हो तो इसका मतलब होता है कि वो चारों साइडों से, टॉप बॉटम राइट लेफ्ट सब एरिया से उसको दे रहे हैं। जब दो दी हों वैल्यूज़ यहाँ पे, जिस तरह स्पेस के साथ एक शुरू में ज़ीरो दिया है और आगे वैल्यू दिया है, तो ये पहली जो लाइन है ये डिफ़ाइन करती है टॉप और बॉटम को, और दूसरी जो है ये राइट लेफ्ट को करती है। इसी तरह तीन हों उसकी और मकसद है, चार वैल्यूज़ भी होती हैं, वो चारों तो फिर चारों टॉप राइट बॉटम लेफ्ट उसको डिफाइन करती हैं। तीन हो तो पहली आपकी टॉप को डिफाइन करती है, दूसरी राइट लेफ्ट को करती है, और तीसरी बॉटम को करती है। तो ये मुख्तलिफ तरीक़ों से कर सकते हैं। अभी हम इसको अप्लाई करते हैं
तो ये हमने देखा है कि ये अब थोड़ा सा और ऑर्गेनाइज हो गया है, और ये इसकी पैडिंग, ये टॉप और बॉटम से इसकी वजह से ये जो स्पेस का फ़र्क आ रहा है वो इस वजह से आ रहा है। तो अभी ये नॉर्मल फ्लो में आया है, इसको भी अभी फ्लोट लेफ्ट करेंगे तो और ये बेहतर हो जाएगा और बैकग्राउंड कलर भी आ जाएगा। तो अभी हम इसको मीडिया क्यूरी को छोड़ते हैं, जो कि असल हमारी ये चीज़ इसको हम पढ़ रहे हैं, लेकिन ये चूँकि फिर और चीज़ें भी पेज हम बनाते हैं तो पेज की लेआउट आपको एक डिफ़ाइन करनी पड़ती है कि पेज की लेआउट कैसी होगी। एक होगी साइड बार होगी, दो साइड बार होंगी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसको हम समझते हैं कि राइट वाला ये वो जो अबाउट है ये यहाँ पे आ जाएगा, राइट क्लास क्योंकि इसके ऊपर अप्लाई हुई है। तो कोड जो है बैकग्राउंड कलर दिया है हमने, फ्लोट लेफ्ट किया है तो वो ऑटोमेटिकली, ये दो पहले ही फ्लोट हो चुके थे तो ये ऑटोमेटिकली इसके राइट पे आता है, यानी ये इस एलिमेंट के। विड्थ 20% दिया है, ये 100% इन्होंने पूरा कर दिया है। तो एक जो आपकी पेज विड्थ है वो 100% ही होती है, तो 20 हमने इसको दे दिया है, 60 इधर दे दिया है इस जगह पे और 20 इधर, ये 100% पूरा हो गया। पैडिंग दे दी है टेक्स्ट के लिए और मार्जिन टॉप स्पेशली दिया है ज़्यादा, तो देखते हैं इससे क्या फ़र्क पड़ता है। और टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दिया है, तो साइड बार्स पे फिर बेहतर ही है साइड बार के लिए। तो टेक्स्ट लाइन देखे सेंटर हो रहा है तो इसीलिए ये इस तरह आ रहा है। तो ये इसके ऊपर से टॉप से जो हमने इसको मार्जिन दिया है ये हमारा यहाँ पे आ रहा है, ये 15। ये मेरे ख्याल है हमने इस मेन्यू को नहीं दिया बल्कि यहाँ पे इसको दिया है। ये देखें इसको यहाँ से भी ये मिला है, इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, ये 7 पिक्सल का ये इस वजह से आ रहा है। तो इसको हम ये टेस्ट भी कर सकते हैं, कभी एक चीज़ में किसी में आपको डाउट हो ना ये चीज़ क्यों हुई है, ये आप इस तरह करके चेक कर सकते हैं, कमेंट कर लें और चेक करें, क्योंकि सी एस एस पे ग्रिप होगी तो तब आप फ्रंट एंड सही तरह बना सकेंगे। तो फ्रंट एंड जो है ये पूरी एक अलग से आप समझें कि इस पे फ्रीलांसिंग आप कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं, लेआउट्स वगैरह, और दूसरा एंड जो है वो बैक एंड है। तो उसके लिए तो आपको फिर कोई सर्वर लैंग्वेज करनी पड़ती है, जैसे कि अभी हमारा ये टारगेट है इंशाल्लाह हम ये अभी पहले फ्रंट एंड की चीज़ें कर रहे हैं, ये HTML, CSS, JavaScript, ये ऑलमोस्ट इसी के लिए इस्तेमाल होती हैं, और फिर एक हम ये सर्वर लैंग्वेज PHP करेंगे, तो ये बैक एंड प्रोग्रामिंग इसमें होगी और साथ में डाटा बेस MySQL अमूमन इस्तेमाल होती है। तो अभी हम देखते हैं, अभी तक तो ये देखें हमारा ये विड्थ इस तरह कंट्रोल हो रही है, यानी छोटा साइज़ भी हो जाए ना मोबाइल जिस तरह हमने देखा है ये साइज़, अभी तो खैर ये इतनी विड्थ के ज़्यादातर तो 5 होती है या 6, तो ये विड्थ जो है ना ये मोबाइल की अमूमन होती है। तो जो पुराने मोबाइल थे बटनों वाले तो उस पर भी वेबसाइट्स पास पे खुल जाती हैं तो उस पर ऐसे नज़र आई, जबकि हम ऐसे नहीं चाहते। तो ये मीडिया क्यूरीज इसी मकसद के लिए लिखी गई हैं। तो इसको हम अब ख़त्म करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे, ये ऑलमोस्ट वैसे ही है जैसे हमने पिछले सेक्शन में देखा है कि मैक्स विड्थ 620 पिक्सल होगी, तो उससे नीचे नीचे या उससे नीचे नीचे क्या होगा विड्थ इन तीनों की, मेन्यू की, ये मेन एलिमेंट और राइट, यानी कि ये जो लेफ्ट सेंटर राइट ये इनके लिए हो जाएगी 100% विड्थ हो जाएगी। तो अभी इन्होंने डिफाइन इसकी की हुई है 20 60 20, तो 100 हो जाएगी तो वो ऑटोमेटिकली ऊपर नीचे आ जाएंगे। तो इसको अब रन हम करते हैं तो ये हम देखते हैं कि वैसे ये साइड बाय साइड ये आ रहे हैं, लेकिन जब ये 620 से नीचे आता है ये तो फिर ये ऊपर नीचे। तो मोबाइल के लिए यही व्यू है, टैबलेट्स के ऊपर भी बाज़ का ये व्यू दे दिया जाता है, डिपेंड करता है कि आपके कंटेंट किस तरह है।
तो ये हमने पूरी एग्जांपल जो है इसको अंडरस्टैंड कर लिया है। इस चीज़ के मुझे थोड़ा सा क्लियर नहीं है, मैं इसको खुद भी देखें, एक्सपेरिमेंट करने से चीज़ें सीख सकते हैं, तो इसको मैं खुद भी देखना चाह रहा था इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। शुरू में तो हमें देखे, हमने इसको जब ओपन किया था तो कोई फ़र्क हमें समझ नहीं आई थी। तो इसको हम अप्लाई करते हैं, यानी कि सब एलिमेंट्स के ऊपर बॉर्डर साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स अप्लाई हो रही है। तो आपको अगर कोई चीज़ सवाल बीच में है तो पूछ सकते हैं, जो चीज़ बता रहा हूँ इसमें से भी पूछ सकते हैं, और जो वैसे अगर आप थोड़ी बहुत आप प्रैक्टिस करते हैं, कोशिश करते हैं, चीज़ें नहीं होती हैं, सेटअप इन्वायरमेंट एक होता है आपके, सेटअप इन्वायरमेंट करनी वो भी एक अपनी जगह पे मसला बनता है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं जो HTML, CSS, JavaScript, इसके लिए आपको कोई स्पेशल इन्वायरमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक तो ये कि हम इसमें अभी जो चेक कर रहे हैं वो इन्हीं के जो ऑनलाइन एडिटर दिया हुआ है इसमें चेक कर रहे हैं, अदरवाइज़ अगर आप इसको ऑफलाइन भी फाइल्स बना के भी चेक करें ना, तो आपको एक ही आपको सॉफ्टवेयर चाहिए टेस्ट करने के लिए, वो है ब्राउज़र। वो अमूमन आपके कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल्स में ब्राउज़र होता ही है, कोई स्पेशल आपको सॉफ्टवेयर्स नहीं चाहिए। लेकिन जब आप PHP करेंगे, क्योंकि ये सर्वर साइड लैंग्वेज है, तो इसके लिए आपको आपको स्पेशल सॉफ्टवेयर्स चाहिए होंगे, डेटाबेसिस के लिए चाहिए होंगे, तो आपको ये इन्वायरमेंट सेटअप करनी पड़ती है। तो बाद लोग यहाँ पे आके स्टक हो जाते हैं, अगर उनसे PHP उनको सेटअप नहीं होती उनसे, तो वो यहाँ पे रुक जाते हैं। तो जहाँ पे आप स्टक होते हैं वो आप उन चीज़ों को पूछें, या जो चीज़ें समझ नहीं आ रही वो पूछें, कोई जनरल क्वेश्चन है तब भी पूछें, ठीक है। रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन एंड फ्रेमवर्क्स। अच्छा, एक फ्रेमवर्क ये W3 स्कूल वालों ने खुद बनाया हुआ है, इसको तो हमारा इस्तेमाल करने का इरादा नहीं है, क्योंकि हम जो फॉलो करेंगे वो इंशाल्लाह मौका मिला तो ये हम बूटस्ट्रैप को फॉलो करेंगे। ये भी CSS का फ्रेमवर्क है। वैसे आप यह कि CSS की कोड आप खुद लिखते हैं जो अमूमन प्रैक्टिस है, लेकिन जैसे ये इस तरह के जो फ्रेमवर्क्स आए हैं तो इन्होंने काम आसान कर दिया, तो अभी लोग खुद कोड लिखने के बजाय ये फ्रेमवर्क्स को इस्तेमाल करते हैं। उसमें इन्होंने पहले ही CSS बहुत सारी लिखी हुई है, आपने सिर्फ क्लासेस इस्तेमाल करनी है। उनके पीछे कोड इन्होंने खुद एक स्टैंडर्डाइज कोड लिखा हुआ है, तो वो हम जब करेंगे तो इंशाल्लाह ताला हम देखेंगे। बहरहाल इन इनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन अगर बूटस्ट्रैप के साथ कंपैरिजन करेंगे तो फिर ये बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो इसके निस्बत बूटस्ट्रैप ज़्यादा पॉपुलर है, अच्छी है, उसके लिए आपको जॉब्स मिल सकती हैं, फ्रीलांसिंग का काम मिल सकता है। बहरहाल इस तरह लेआउट आ सकता है, ये इसके एग्जांपल हम देख लेते हैं, क्योंकि अभी जो ये काम करवा रहे हैं ना HTML, इसमें जेनेरिक व्यू देते जा रहे हैं, जिस तरह CSS का अलग से पूरा कोर्स है, जावास्क्रिप्ट का अलग से पूरा कोर्स है, लेकिन इसमें इन्होंने बीच में जावास्क्रिप्ट का भी थोड़ा थोड़ा बीच में टच दिया है, थोड़ा थोड़ा CSS का भी दिया है, तो अभी ये फ्रेमवर्क का भी ये थोड़ा सा टच देंगे। तो बहरहाल देखते हैं इसमें, लेकिन ये मैं सजेस्ट ये करता हूँ कि पहले आप चीज़ों को कमेंट आउट करें, जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, जो HTML से हट के चीज़ें हैं। अब हम ये देखते हैं कि ये चीज़ मेन, ये मैं आपसे बात कर रहा था CSS की मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक होती है एक्सटर्नल CSS, तो ये तरीका है एक्सटर्नल CSS को इंक्लूड करने का, लेकिन ये इसको अभी हम निकालना चाहते हैं। तो CSS में कमेंट करने का और तरीका कार है, HTML में कमेंट करने का और तरीका कार है, जावास्क्रिप्ट का और है। तो जो HTML, जो CSS का और जावास्क्रिप्ट का है वो सेम है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जावास्क्रिप्ट में कमेंट करने का एक और तरीका है। कमेंट हम क्यों करते हैं? कमेंट हम इसलिए करते हैं कि कुछ चीज़ें हमने एक्सप्लेन करनी होती है तब कमेंट करते हैं, जो इसका असल मकसद है कमेंट करने का, कि नीचे आपने कोड में क्या किया है। लेकिन अभी हम जो डेवलपमेंट करते हैं इसमें हम कमेंट इस मकसद के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, किसी कोड को टेम्परेरी तौर पे हम हाइड करना चाहते हैं कि वो एग्जीक्यूट ना हो,
तो अभी हमारा वही मकसद है। तो HTML में जो कमेंट करने का तरीका कार है वो ये है कि ये ब्रैकेट और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन डबल डैश। अब देखिए सारे को वो ग्रीन कर दिया यानी कि कमेंट हो गया, लेकिन हमने सिर्फ इसको करना है। फिर क्लोज के लिए डबल डैश और फिर ये ब्रैकेट क्लोज। तो अभी देखिए कलर बाकी सबका चेंज हो गया है, यानी कि सिर्फ ये कमेंट हो गया है। तो इसको अब रन करते हैं। तो असल में ये चीज़ आपको दिखाना चाह रहा था कि जैसे ये CSS जैसे कपड़े पहने हुए हैं इसने, तो वो रंग बिरंगे वो फैंसी नज़र आए, लेकिन असल स्ट्रक्चर इसका ये है। तो ये पता होना चाहिए स्ट्रक्चर। तो इनकी देखिए क्लासेस हैं, ये इन्होंने खुद लिखी हुई हैं। देखिए हमने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, ये सारी की सारी यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो इसका एक तरीका तो ये है कि इस फाइल को आप खोलें ब्राउज़र में, तो आपको पता लग जाएगा कोड क्या लिखा हुआ है, किसके पीछे क्या कोड लिखा हुआ है। तो बहुत सारा कोड लिखा हुआ है, बहरहाल कुछ चीज़ें हम इसमें देख सकते हैं कि ये क्या किया हुआ है। मिसाल के तौर पे W3 रो पैडिंग, इसको कॉपी किया और यहाँ पे हमने इसको सर्च करके देख लिया, बैरल कोड लिखा हुआ है इसके अगेंस्ट। तो अभी हम इसको वापस खोल देते हैं, इसको रन करते हैं। और कुछ चीज़ें कॉमन सी हैं, अगर आपने बूटस्ट्रैप में भी काम किया है तो, अब मैंने क्योंकि बूटस्ट्रैप में काम किया हुआ है इसमें नहीं किया हुआ, लेकिन इसका जनरल स्ट्रक्चर मुझे कुछ ना कुछ आइडिया है। उसमें भी ऊपर हम एक हेडर, आप समझ लें कि एक टॉप लेवल की एक क्लास बनाते हैं और फिर उसके अंदर फिर बाकी हम यूज़ करते हैं। और जैसे ये कंटेनर टाइप बनाई है, ये फुल विड्थ ये इस्तेमाल हो रही है और बैकग्राउंड कलर ग्रीन यहाँ से आ रहा है, बाकी ये नॉर्मल हेडिंग आ रही है, ये भी नॉर्मल है, यानी इनकी क्लास कोई इस्तेमाल नहीं हुई, ये पैराग्राफ नॉर्मल आ रहा है। फिर W3 रो पैडिंग, रोज़ बना रहे हैं, और यहाँ पे थर्ड यानी तीन कॉलम्स आगे होंगे, ऐसे ही होगा शायद, सेकंड के नाम से अगर होगी तो दो होंगी, मेरा अंदाज़ा है, मुझे वैसे एक्चुअल पता नहीं है, लेकिन एक अंदाज़ा है कि जिस तरह ये W3 थर्ड है इसलिए W3 सेकंड की होगी, जिस तरह फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो ये तीन कॉलम्स के लिए इस तरह डिफाइन किया, और बाकी अंदर तो फिर सेम लिखा हुआ है, हेडिंग पैराग्राफ पैराग्राफ। तो ये क्योंकि इन्होंने पहले से फ्रेमवर्क्स में कोड लिखा होता है तो आपके लिए आसान हो जाता है डेवलपमेंट करना, यानी आपको लेआउट वगैरह खुद से कुछ भी नहीं करना पड़ता, सिर्फ आपने उनकी क्लासेस उठानी है, कोड आप देख सकते हैं और इस्तेमाल करें। तो बूटस्ट्रैप में देखते हैं, बूटस्ट्रैप का भी कंटेनर देखें टॉप लेवल का बना हुआ है, इसके देखते हैं हम। और जैसे मैंने पहले कहा है कि पहले हमें इसको कमेंट आउट करना चाहिए, तो वो तकरीबन ये यहाँ से शुरू होता है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो हम जी राइट साइड पे देख सकते हैं ये किस तरह कंट्रोल हो रहा है, यानी मोबाइल पे देखें उसी तरह ये टॉप डाउन हो जाता है और बाकी साइड बाई साइड ये कॉलम्स आ रहे हैं। तो इसको हम वैसे ही कमेंट करते हैं जैसे पहले किया हमने, और ये जावास्क्रिप्ट के क्लोज तक। अब वो W3 की जो फ्रेमवर्क है उसमें वो कह रहे थे वो जावा jQuery पे डिपेंड नहीं करता है। अब ये इसमें जो है इसमें बूटस्ट्रैप की कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि जावास्क्रिप्ट इससे jQuery से रिलेटेड हैं, तो फिर jQuery ऐड करनी पड़ती है। तो इसको हमने कमेंट किया, रन करते हैं, तो बिल्कुल ही अब सिंपल से हो गया, बल्कि प्रैक्टिकली आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, पेज इस तरह के नहीं होते अमूमन। तो ये एक दफ़ा इस तरह देखना ज़रूरी है, आपको स्ट्रक्चर का आइडिया हो जाए। तो स्ट्रक्चर कैसे है जी, एक टॉप लेवल का डिव बनाया है, अब ये सारे कोड उसके अंदर लिखे हुए हैं, रो कॉल, ये एक स्ट्रक्चर है। ये आपको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ, बाकी डिटेल में तो फिर बाद में ही करेंगे। कंटेनर है,
ये जो एरिया है, इस तरह का जब भी आपने एरिया बनाना हो तो ये क्लास इस्तेमाल करते हैं। और इसमें जब ये अब हेडिंग नॉर्मल हेडिंग है, H1 है, लेकिन जब ये इसके अंदर आएगी ना, इसके अंदर, तो ये ऑटोमेटिकली इस तरह और बड़ी होके आएगी। और ये बैकग्राउंड भी ग्रेस सब उन्होंने ऐड किया, और ये पैराग्राफ्स के साथ नीचे आ जाएगा। तो ये जैसे फ्रंट पेज आप एक बनाते हैं तो उस पर इसी तरह होता है, शुरू में एक बड़ा सा आप हेडिंग दी, कोई बैकग्राउंड डाला, टेक्स्ट लिखा। फिर यहाँ पे ये थोड़ा सा इसका एक कंसेप्ट है एक रोज़ का, वहाँ पे उन्होंने और तरीके से हैंडल किया है, यहाँ पे और तरीके से हैंडल किया है। यहाँ पे ये रो की क्लास है, और फिर अब ये कॉलम डिफाइन कर रहे हैं, कॉलम और टोटल इसकी ग्रिड कहते हैं व्यू ना, इसका 12 ग्रिड्स होती हैं। तो इसमें 4 4 4, तो ये 12 हो गया। तो इसका मतलब ये है कि ये 4 4 देंगे तो ये फिर 3 कॉलम्स हो जाएंगे। अगर हम 3 करेंगे तो 4 कॉलम्स भी हम बना सकते हैं, बल्कि वो हम करके देखते हैं। और ये SMS, ये SM लिखा हुआ है, इसका भी एक मकसद है, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। लेकिन ये मैं थोड़ा सा आपको मोटिवेट करना चाह रहा था इसके लिए कि आप इस तरह की एक्सपेरिमेंट करें। कॉलम 4 वैसे कुछ भी लिखा रहे, लेकिन मैं दोबारा पेज को रीलोड कर लेता हूँ ताकि वो ओरिजिनल में आ जाए। तो इस तरह ये हम कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया है, जो बूट स्ट्रैप है, इन्होंने ये डिवीजन्स बनाई हैं मोबाइल के लिए, टैबलेट के लिए व्यू, और लैपटॉप, और फिर बड़ी स्क्रीन्स के लिए। तो ये SM स्मॉल साइज़ेस के लिए है। तो पूरी इनके एक स्ट्रक्चर है, वो फिर जब हम इसका देखेंगे CSS का, तो MD यहाँ पे मीडियम स्क्रीन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको भी हम क्लोज करते हैं, बल्कि इससे पहले ये देखिए टॉप डाउन का एडवांटेज फिर यहाँ पे हो रहा है। तो ये चैप्टर तो खैर इस दफ़ा, वैसे तो हम 2 3 चैप्टर कर लेते हैं, लेकिन ये चैप्टर काफ़ी लंबा ही था, तो इसको ऊपर ही हम क्लोज़ करते हैं। यहाँ पे ये टेक्स्ट फाइल है, इसको मैं इस पे लेआउट्स जो है, ये हमने लास्ट टाइम किया था, ये क्योंकि मैं यहाँ पे अभी ऐड कर दूंगा, तो उसमें ये फ़ायदा होगा कि नेक्स्ट टाइम मुझे फिर फॉलो करने में आसानी होगी। तो स्टार्ट भी हमने इसी पे किया और एंड भी इसी पे किया है। अच्छा, टाइम इसमें मैंने मेंशन नहीं कर सका, टाइम मैंने सोचा था कि मेंशन करूँगा। इस पे अंदाजन मैंने स्टार्ट किया था तो 2 मिनटों पे होगा। इसमें यह कि पहले तो मुझे ये चीज़ नहीं पता थी, YouTube पे आप इस तरह टाइम डिस्क्रिप्शन में मेंशन करें तो वो ऑटोमेटिकली आपकी जो वीडियो प्ले हो रही है उसके साथ लिंक कर देता है, वो ऑटोमेटिकली एक लिंक बना देता है वहाँ पे। तो आप उस पर लिंक पे क्लिक करें तो वीडियो ऑटोमेटिकली वहाँ पे जंप कर सकती है। तो मकसद इसका ये होता है कि आप वीडियो डिस्क्रिप्शन जब लिखें तो उसमें टाइम मेंशन कर दें कि इस टाइम पे ये चीज़ हुई है। क्योंकि अब ये देखें, हमारे पास जो रिकॉर्डिंग है ये हमारी लगभग 1 घंटे से ऊपर की मेरे ख्याल हो चुकी है। ये मुझे एग्जैक्ट यहाँ से पता लग जाएगी, ये सॉफ्टवेयर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए, और गूगल मीट मैं यूज़ कर रहा हूँ लाइव स्ट्रीमिंग के लिए। जो कि आप व्यू देख रहे हैं वो इस वजह से देख रहे हैं, ये जो सॉफ्टवेयर है गूगल मीट है, इसके ज़रिए आप लाइव स्ट्रीमिंग आपको मिल रही है। लाइव स्ट्रीमिंग तो नहीं कह सकते क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग तो होती है पब्लिकली होती है ना, इसमें आपको फिर भी ज्वाइन करना पड़ता है। ये मीटिंग सेशन हम ये लाइव दिखा सकते हैं। तो ये जो सॉफ्टवेयर है OBS स्टूडियो इसका नाम है, और इसको ये है कि आप अपनी ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग इस्तेमाल इसके लिए कर सकते हैं, इस्तेमाल स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपने करनी है। तो इसको फिर मैं बाद में इंशाल्लाह वीडियो जो बनेगी इसकी फ़ाइल उसको मैं अपलोड कर दूंगा। तो अभी आपका कोई
सवाल है तो पता कर सकते हैं, वरना यह है कि मैं नेक्स्ट जो करना है उसकी तरफ आ जाऊंगा, फिर एक बीच में हमारे यहाँ पे ब्रेक होगी नमाज की। सवाल फिर आपने किया नहीं। SMP स्टेट, आप सुन रहे हैं मेरी आवाज़? सुन रहे हैं? हेलो जी, मेरी आवाज़ आ रही है? अगर कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। चले, सवाल फिर शायद नहीं होगा। तो नेक्स्ट, अब मकसद हमारा ये सेशन का मैंने इब्तदाई तौर पे भी बता दिया था कि मकसद यही है हमारा कि अगर किसी के क्वेश्चंस वगैरह हैं वो पता करें। चले, ये अब अच्छा, ये मैंने आपको एक चीज़ चलाई है यहाँ पे, ये मैं आपको थोड़ी सी तफसील बताता हूँ। अभी आप जिस तरह अपने कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रहे हैं, कंट्रोल आप कर सकते हैं, जैसे कंट्रोल पैनल में जाके सेटिंग्स वगैरह चेंज की, जो भी आप उसकी चीज़ें करना चाहते हैं वहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका कंप्यूटर जो है वो सर्वर आपका कोई पड़ा हुआ है अमेरिका में, आगे पीछे किसी दुनिया में जगह पे, तो उसको कंट्रोल करना है तो उसके लिए आपके पास कुछ कमांड्स हुआ करती थी। पहले एक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुआ करती थी, उसका नाम था टेलनेट। अभी तो खैर जो इस्तेमाल हो रही है टेक्नोलॉजी, उसको तो हम बोलते हैं SSH बोलते हैं, सिक्योर शेल। उसके लिए आप सर्वर में लॉग इन होते हैं कमांड प्रॉम्प्ट के ज़रिए, और फिर आप कमांड्स चलाते हैं। वो कमांड्स फिर असल में आपके कंप्यूटर पे नहीं चलती, उस सर्वर पे चलती हैं। तो ये स्टार वार, आपने शायद एक सीरीज़ है उसके बारे में सुना हो। तो इसमें जो अब तीसरा पार्ट है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स तो वो बीच में हुए ही नहीं, कोई सवाल किसी ने पूछा ही नहीं, तो वो हो जाता तो ज़्यादा अच्छा था। तो तीसरा हमारा सेक्शन यही था कि कोई ना कोई चीज़ हम शेयर करते हैं, टेक्नोलॉजी IT के हवाले से कोई एडवांस लेवल की चीज़ें हैं, क्योंकि पहले सेक्शन में तो बिल्कुल बेसिक लेवल की चीज़ें हो जाती हैं, और क्वेश्चन आंसर सेशन में इंटरमीडिएट आप कह लें लेवल, क्योंकि वो भी बेलर बेसिक ही होती हैं ज़्यादातर। फिर तीसरे में हमारी कोशिश रहती है कोई नई चीज़ यहाँ पे बताएं, या जो चीज़ मुझे तजर्बा होता है इस्तेमाल करने का। तो इसमें मैंने ये चीज़ चेक की थी कि टेलनेट के साथ आप ये जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार वार आस्की मेशन, यानी आस्की में टेक्स्ट में, वैसे तो मूवीज़ आपकी
नॉर्मल एनिमेटेड होती हैं या नॉर्मल मूवीज़ होती हैं, लेकिन ये ASCII यानी टेक्स्ट फॉर्म में, अगर आपके पास टर्मिनल है, कमांड प्रॉम्प्ट है, उसमें देखनी है। तो यहाँ पे एक फ़नी टाइप की मुझे ये चीज़ लगी है, तो मैंने नोट कर ली थी। इन्होंने उसकी मूवी की इस तरह की टेक्स्ट फॉर्म में प्रेजेंट किया है। तो इसको अगर आपने अपने पास कंप्यूटर पे इस्तेमाल करना है, विंडोज़ 10 अगर आपके पास है, विंडोज़ XP पे, तो ये डायरेक्ट चल सकती है। इसमें जो चीज़ अहम है वो ये चीज़ है कि आपको ये लिंक आपके पास हो। तो ये लिंक मैं कॉपी करके इधर डिस्क्रिप्शन में नोट भी करता हूँ, फिर ये है कि ये बाद में आप इस्तेमाल कर सकेंगे। ये लिंक है और आपने टेलनेट करना है इस तरह, ये लिखना है, तो ये स्टार्ट हो जाएगा। विंडोज़ XP में ये बिल्ड इन है, लेकिन विंडोज़ जो 7 और 10 है उसमें टेलनेट अब क्योंकि इस्तेमाल नहीं होती, अभी तो SSH इस्तेमाल होती है। तो विंडोज़ 10 में मैं देख रहा था कि उसमें SSH है पहले से, और विंडोज़ 7 में नहीं है। तो टेलनेट आपने इंस्टॉल करनी है, तो उसमें तरीक़ाकार मैं देख रहा था, उसमें तरीक़ाकार ये है कि आप विंडोज़ जो की है आपकी कीबोर्ड के ऊपर उसको प्रेस करें, और साथ ही में उसको प्रेस किए रखें और R का बटन दबाएं, तो ये आपके पास रन एज रन का ये आ जाता है। तो इसमें ये वाला कोड जो है, इस वेबसाइट का लिंक भी मैं उधर पेस्ट कर देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, ये फिर आप इस्तेमाल कर सकेंगे। और ये वाली जो वेबसाइट है इसका भी मैं लिंक दे देता हूँ। तो इसमें ये टेलनेट की ये कमांड लिखी हुई है, और यहाँ पे आपके ये कोड मैं कॉपी वहाँ पे पेस्ट करता हूँ, रन करें, और ये कोड वहाँ पे डालना है। तो ये क्या करेगा कि ये आपके कंप्यूटर पे सर्विस, जो टेलनेट की सर्विस है, वो इनेबल कर देगा। कोई ख़तरनाक बात नहीं है, इसको बाद में आप डिसेबल भी कर सकते हैं। तो ये आप रन करेंगे यहाँ पे, तो वो आपकी टेलनेट की सर्विस इनेबल हो जाएगी। और इसमें ऐड रिमूव प्रोग्राम में आप जब जाते हैं, वहाँ पे फीचर्स ऐड रिमूव एक ऑप्शन होती है गालवन, इस तरह का कुछ नाम होता है उसका, उसमें जाके आप फिर इसको रिमूव भी कर सकते हैं सर्विस को। बल्कि मैं आपको यहाँ पे चला के अभी बता भी देता हूँ इसको। मेरे पास ये बल्कि टाइम अभी थोड़ा है, अभी ब्रेक बीच में होगी नमाज की, तो फिर वापस मैं आता हूँ, तो फिर आपको बताते हैं। यहाँ पे मैं ये नोट कर लूँ कि हमने ये टेलनेट वेबसाइट के बारे में हमने शुरू किया है तकरीबन 1 घंटे और 5-7 मिनट थे शायद। मिसाल के तौर पे हमने ये टेलनेट और आगे ये वेबसाइट टेलनेट के बारे में हमने पढ़ी है। ये एक स्टार वार क्या लिखा हुआ था, कुछ स्टार वार उसकी मिशन, ये चीज़ मैं साथ लिखता हूँ। तो इसको हम करेंगे विंडोज़ 10 में, मेरे पास यहाँ पे है, इसको मैं अभी क्लोज़ कर देता हूँ। क्लोज़ करने का यहाँ पे इन्होंने तरीका लिखा हुआ था कि कंट्रोल और कीबोर्ड के ऊपर आपकी जो बड़ी ब्रैकेट है उस पे क्लोजिंग वाली जो बड़ी ब्रैकेट है उस पे क्लिक करना है। तो और यहाँ पे फिर आपने क्विट लिख देना है। तो ये अब टेलनेट जो कनेक्ट हुआ था सर्वर से, वहाँ से निकल गया है। तो इसको फिर देखते हैं वापस आके, अभी मैं ब्रेक लेता हूँ विंडोज़ 10 में, फिर हम इसमें ये फीचर इनेबल किया है इसको, इसको फिर हम डिसेबल भी करेंगे वो, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि ये
उस तरह भी कर सकते हैं, इस कमांड इसकी ये रन करके इस तरह भी कर सकते हैं, और इनेबल डिसेबल उसको दूसरा GUI मोड में जाके भी कर सकते हैं। ये कोई ऐसे नहीं है कि खुदा ना खास्ता आपके सिस्टम की कोई हैकिंग हो जाएगी, ये नॉर्मल इसका फीचर है इनेबल करने के लिए। पैकेज मैनेजर शायद इसी टाइप की कुछ ये बनता होगा, PKGMGR। ये विंडोज़ का अपना बिल्ड इन प्रोग्राम होगा, क्योंकि मुझे कोई एक्स्ट्रा प्रोग्राम इसमें इंस्टॉल नहीं करना पड़ा था। तो अभी मैं फिर इसको सेशन क्लोज़ कर रहा हूँ, फिर भी ब्रेक के बाद फिर स्टार्ट करता हूँ। अभी के लिए फिर अल्लाह हाफिज़।